दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ट्रांसफार्मर बुशिंग। ट्रांसफार्मर का बुशिंग क्या होता है इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग सीखेंगे या कुछ नॉलेज लेंगे। दोस्तों ट्रांसफार्मर का दोस्तों दो टाइप्स का बुशिंग होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों LV बुशिंग और एक होता है दोस्तों HV बुशिंग। ट्रांसफार्मर की बुशिंग को आप लोग एक तरीके की इंसुलेटर भी कह सकते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर का जो बुशिंग होता है मेनली दो टाइप्स का ट्रांसफार्मर बुशिंग होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों पोर्सेलिन बुशिंग और एक होता है दोस्तों कंडेंसर बुशिंग। पोर्सेलिन बुशिंग जो होता है दोस्तों जो 33 kV के वोल्टेज के नीचे जो ट्रांसफार्मर होता है उसी में ये पोर्सेलिन बुशिंग यूज़ किया जाता है दोस्तों। 11 kV में 33 kV में 6.6 kV में ये जो पोर्सेलिन बुशिंग यूज़ किया जाता है दोस्तों। 33 kV के ऊपर जो दोस्तों वोल्टेज ग्रेड होता है उसमें दोस्तों कंडेंसर बुशिंग यूज़ किया जाता है दोस्तों। जैसे 66 kV में दोस्तों कंडेंसर बुशिंग यूज़ किया जाता है, 120 kV में यूज़ किया जाता है, 220 kV में यूज़ किया जाता है, 400 kV में यूज़ किया जाता है, 800 kV में यूज़ किया जाता है ये कंडेंसर बुशिंग दोस्तों। ट्रांसफार्मर बुशिंग कौन से काम के लिए मेनली यूज़ किया जाता है मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा दोस्तों। आज ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों दो कॉइल रहता है दोस्तों, एक प्राइमरी कॉइल हो गया और एक दोस्तों सेकेंडरी कॉइल हो गया। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल से जो दोस्तों टर्मिनल निकलता है मतलब जो कंडक्टर रहता है उसको मोड़ के पोर्सेलिन के जरिए या दोस्तों कंडेंसर बुशिंग के जरिए टैंक से ट्रांसफार्मर टैंक से बाहर निकाला जाता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर से ये बुशिंग के जरिए बाहर निकाला जाता है दोस्तों पावर सप्लाई देने के लिए दोस्तों। ये जो बुशिंग होता है दोस्तों इंसुलेटर का काम करता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो बुशिंग होता है ट्रांसफार्मर और कंडक्टर के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करता है दोस्तों, मतलब बॉडी होने से ये रोकता है। ये जो बुशिंग होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर और कंडक्टर में बॉडी होने से रोकता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके कुछ नया उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।